ब्राजील में एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को ले जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान दुर्घटना में चार खिलाड़ी और ब्राजील के फुटबॉल क्लब पालमास के प्रेसिडेंट की मौत हो गई। पायलट की भी जान चली गई। इस प्लेन हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। ये घटना रविवार को हुई। क्लब ने एक बयान में कहा, क्लब के प्रेसिडेंट लुकास मीरा और चार खिलाड़ी रानुल और मार्क्स की रविवार को तब मौत हो गई जब ब्राजील के उत्तरी शहर पलमास के पास उनका विमान एयरफील्ड पर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार विमान के पायलट की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। विमान विला नोवा के खिलाफ सोमवार को खेले जाने वाले कोपा वर्ल्ड मैच के लिए लगभग 800 किलोमीटर दूर गोइनिया शहर के लिए उड़ान भर रहा था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि ये खिलाड़ी और क्लब के प्रेसिडेंट टीम से अलग यात्रा कर रहे थे क्योंकि वो कोरोना वायरस परीक्षण में पहले पॉजिटिव पाए गए थे और क्वारंटीन में थे। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान दो इंजन वाला बेरोन मॉडल विमान था जिसमें दुर्घटना के बाद आग लग गई। अधिकारियों ने कहा है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। 5 साल पहले कोलंबिया में इसी तरह की विमान दुर्घटना में 19 खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। एक अन्य घटना में 2014 में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और ब्राजील के स्ट्राइकर की ब्राजील में ही एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी।